की शालिनी बनी हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र में विपक्ष की विधायक। 12 जून को स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुआ था आयोजन। 12 जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में राज्य ऐतिहासिक बाल सत्र का साक्षी बना। बिलासपुर के GSSS पंजगेन में पढ़ रही शालिनी ठाकुर का चयन भी इस सत्र के लिए किया गया था। विपक्ष में बैठी शालिनी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, राज्य पर 75,000 करोड़ के कर्ज को खत्म करने की दिशा में वित्त विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में OPS बहाल की गई है, ऐसे में इतने कर्ज के होते हुए क्या सरकार द्वारा यह स्कीम लागू करने से विभाग पर पहले से चल रहे वित्तीय संकट नहीं गहराएंगे, क्या विभाग OPS लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यय की जाने वाली अनावश्यक राशि के रोकथाम हेतु कोई कार्य कर रहा है। शालिनी के इस प्रश्न का जवाब वित्त मंत्री फैजान ने दिया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं बतौर विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए। डिजिटल बाल मेला के लिए शिमला से मैं मुस्कान गौतम।